नगर में विकासखंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन मंगलवार 19 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। कैंप में निःशुल्क हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, सर्जिकल स्त्री रोग, शिशु रोग और क्षय रोग के साथ चर्म रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग के साथ 18 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन, मानसिक रोग के विशेषज्ञ और चिकित्सकों की टीम के द्वारा परीक्षण, लैबोरेटरी आवश्यक दवाइयां दी जाएंगी। वहीं आयुष्मान परिवार संबल योजना कार्ड धारकों को पहचान पत्र के साथ आना आवश्यक है। डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या है बताएं, क्या क्या होगा, मतलब किन जीवों का टेस्ट हुआ क्या? ये 19 अप्रैल को करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका क्या कहते हैं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला के आयोजन में सभी प्रकार की बीमारियां का इलाज, उपचार, टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट होंगे और सभी को दवा वितरण होगी। जिस बीमारी से संबंधित जो व्यक्ति होगा, आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आयुष्मान हितग्राहियों से सभी सरकारी सेवकों और सभी आम जन नागरिकों का हेल्थ आईडी कार्ड बनेंगे, जो देश प्रदेश में कहीं पर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और सभी को ऐसा चाहते हैं कि सभी को ये खबर जन जन तक पहुँचे और जन जन लोग, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। सभी नेता, राजनेता लोग इसमें आमंत्रित हैं। सभी सरकारी विभागों के विभाग प्रमुख एवं सभी सरकारी कर्मचारी इसमें आमंत्रित हैं और सभी लोग, सभी ITBP जो करेरा में है उन लोगों को भी मैंने सभी को इन्विटेशन दिया है और सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और सभी अपना अपना हेल्थ चेकअप कराएं, हेल्थ आईडी कार्ड बनाएं और सभी आयुष्मान कार्ड के जितने भी हितग्राही हैं जिन लाभ मिल सके वो सभी लोग यहां पे आकर उपस्थित होकर अपना अपना कार्ड बनवाएं। यही मेरी सभी से अपेक्षा है और क्या कहते हैं, सभी का सादर आमंत्रित है यहाँ पर। सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है, यही मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ।